तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल में। और अभी हम बात करने वाले हैं भारत में यूनेस्को के जो विश्व विरासत स्थल हैं उनकी सूची के बारे में। तो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका की स्थापना 1945 में किया गया था और ये पेरिस यानी कि फ्रांस के पेरिस में स्थित है। और इसका कार्य है सांस्कृतिक स्थल और प्राकृतिक स्थल को यूनेस्को में शामिल करना। तो आइए हम पहले चर्चा कर लें कि किस प्रकार के स्थल को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल करता है, जिसमें प्राकृतिक स्थल शामिल होते हैं और सांस्कृतिक स्थल शामिल होते हैं। तो अगर हम यूनेस्को के चयन के मानदंड की अगर हम बात करें, तो जैसा कि कहा कि दो प्रकार के स्थल होते हैं, पहला प्राकृतिक स्थल मतलब पहला सांस्कृतिक स्थल और दूसरा प्राकृतिक स्थल। तो अगर चयन के मानदंड की बात करें तो सांस्कृतिक स्थल के लिए ये मानव की रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्टतम रचना का प्रतिनिधित्व करता हो, साथ ही साथ ये निश्चित समावधि में या फिर विश्व के किसी भी सांस्कृतिक क्षेत्र के भीतर वास्तुकला या प्रौद्योगिकी के विकास, साथ ही साथ स्मारक कलाओं, शहर नियोजन या भूदृश्य रूपांकन के संबंध में मानव मूल्यों के महत्वपूर्ण अंतर विनिमय को प्रदर्शित करता हो। इसके अलावा किसी सांस्कृतिक परंपरा या फिर जीवंत या लुप्त किसी सभ्यता का अनोखा व असाधारण प्रमाण हो, तब ऐसे स्थल को, ऐसे किसी भवन या फिर ऐसे किसी चीज़ को सांस्कृतिक स्थल के रूप में मान्यता प्रदान किया जाएगा यूनेस्को के द्वारा। साथ ही साथ मानव इतिहास के किसी ही महत्वपूर्ण अवस्था को दर्शाने वाले किसी भवन, वास्तुकला या प्रौद्योगिकी संबंधी समूह या भूदृश्य का उत्कृष्ट उदाहरण हो, तो ऐसे जगह को भी सांस्कृतिक स्थल का दर्जा यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। और अगर हम प्राकृतिक स्थल की बात करें तो प्राकृतिक स्थल के लिए जो मानदंड है, तो उसके लिए यह है कि अत्युत्कृष्ट प्राकृतिक दृश्य या असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य के स्थानों तथा कलागत महत्व को समाहित करता होना चाहिए वो जगह जिसे प्राकृतिक स्थल को यूनेस्को में शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ जो प्राकृतिक स्थल की अगर हम बात करें तो वो मानव जीवन के इतिहास का विवरण हो उसमें, या फिर भू प्रारूपों के विकास महत्वपूर्ण हो, साथ ही साथ अविरत भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण भू आकृतिक विशेषताओं सहित पृथ्वी के इतिहास की प्रमुख अवस्थाओं को दर्शाने वाला उत्कृष्ट उदाहरण प्रदर्शित करता हो वो प्राकृतिक स्थल। इसके अलावा स्थलीय ताजे पानी, तटीय तथा समुद्री परितंत्रों एवं पादप तथा जंतुओं के समुदायों के उद्विकास और प्रगति संबंधी महत्वपूर्ण निरंतर पारिस्थितिकी तथा जैविक प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्कृष्ट उदाहरण प्रदर्शित करता हो, तो ऐसे प्राकृतिक स्थल को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में प्राकृतिक स्थल को शामिल किया जाता है। अब जितने भी ऐसे जगह होते हैं यानी कि जिनको प्राकृतिक यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जाता है, तो उनकी कुछ विधिक स्थिति बन जाती है, यानी कि ऐसे कोई भी स्थल जिन्हें कि यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाता है, तो उसे इस बात का प्रथम दृष्टया प्रमाण माना जाता है यानी कि उस जगह को, कि ऐसा स्थल सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होता है तथा इसे जिनेवा कन्वेंशन तथा उसके अनुच्छेदों और प्रोटोकॉल, साथ ही साथ उसके जो भी नियम कायदे हैं वो, और सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक परिसंपत्तियों के संरक्षण से संबंधित जो हेग कन्वेंशन हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों सहित अन्य संधियों के अंतर्गत युद्ध कानून के आधार पर कानूनी संरक्षण की गारंटी प्रदान की जाएगी। यानी कि कुछ भी हो, कैसी भी दशा हो, अगर दो देशों के मध्य युद्ध भी छिड़ जाता है तो भी जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इनको नुकसान किसी भी देश के द्वारा नहीं पहुंचाया जाएगा, इसका कहने का मतलब ये है। और इसलिए जो हेरिटेज साइट हैं वो ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो अब हम बात करें कि जो सांस्कृतिक स्थल हैं भारत में उनकी बात कर लें, तो आपको बता दूं कि भारत में 1983 से यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची घोषणा की जा रही है, जिसमें अब तक यानी कि वर्ष 2020 तक जो सांस्कृतिक स्थल की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 30 है, जिसमें सबसे पहले आपसे कहा कि 1983 में प्रदान किया गया था, तो 1983 में चार जो सांस्कृतिक स्थल थे उनको हेरिटेज में शामिल किया गया, जिसमें पहला है अजंता
की गुफा और दूसरा है एलोरा की गुफाएं, तीसरा ताजमहल और आगरा का किला, ये दोनों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हैं। तो अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा ये दोनों महाराष्ट्र में हैं, जबकि ताजमहल और आगरा का किला ये उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 1983 में इन्हें हेरिटेज यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। पाँचवें की अगर हम बात करें तो वर्ष 1984 में सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा इसे शामिल किया गया, जबकि छठवां महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है महाबलीपुरम मंदिर इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। और वर्ष 1986 में गोवा के गिरजाघर और कॉन्वेंट को साथ ही साथ खजुराहो जो स्मारक का समूह है उसे और फतेहपुर सिकरी और हम्पी जो कि स्मारकों का समूह है इन्हें वर्ष 1986 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। साथ ही साथ 1987 में एलिफेंटा गुफा जो कि महाराष्ट्र में है और पड्डकल जो कि स्मारकों का समूह ये तमिलनाडु में स्थित है और बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु तंजावुर में है और इरतेश्वर मंदिर जो कि दारास्वरम ये भी तमिलनाडु में है इसे यानी कि इन चारों को 11, 12, 13, 14 को इन्हें वर्ष 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया जिसमें ये सांस्कृतिक स्थल में आते हैं। ठीक है, और वर्ष 1989 में बौद्ध स्मारक को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया जो कि सांची में स्थित है, जबकि वर्ष 1993 में हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार और स्मारक ये सभी दिल्ली में हैं इन्हें वर्ष 1993 में हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, जबकि वर्ष 1999 में दार्जिलिंग हिमालयी रेल मार्ग जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये माउंटेन रेलवेज रिजर्व ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल है इसे 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और साथ ही साथ माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत दो और रेल मार्ग हैं जिन्हें भी शामिल किया गया, उन्हें याद कर ले और उनको अलग से नहीं करके बल्कि उनको इसी में सम्मिलित किया जाता है तो हम उसकी बात कर ले रहे हैं। वो वर्ष 2005 और 2008 में किया गया था जिसमें नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेल मार्ग जो कि माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं इन्हें यानी कि इन तीनों को शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। जबकि नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जो 19वां साइट है वो है महाबोधि मंदिर जो कि बोधगया बिहार में स्थित है, इसे भी विश्व विरासत का दर्जा हासिल है जिसे वर्ष 2002 में शामिल किया गया, जबकि वर्ष 2003 में भीमबेटका के शैलाश्रय जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है उसे शामिल किया गया, और वर्ष 2004 में CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि मुंबई में है इसे और चंपानेर पावाग जो कि पुरातत्विक उद्यान गुजरात में है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और ये सभी सांस्कृतिक स्थल हैं। जबकि वर्ष 2005 में नीलगिरी माउंट रेलवे का बता चुका हूँ मैं आपको, है ना, और वर्ष 2007 में लाल किला परिसर जो कि दिल्ली में स्थित है इसे शामिल किया गया और ये भारत का 23वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। साथ ही साथ वर्ष 2010 में जंतर मंतर जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है इसे शामिल किया गया वर्ष 2010 में और ये 24वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत का। जबकि वर्ष 2013 में राजस्थान के जो 6 पहाड़ी दुर्ग हैं जिनमें चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ रणथंभौर अंबेर जैसलमेर और गागरौन शामिल हैं इन्हें विश्व के भारत के सांस्कृतिक स्थल में शामिल किया गया जो कि 25वें नंबर के हुए। ठीक है, और इसके बाद जो हम अगर बात करें तो 26वां नंबर है वो रानी की बावड़ी या बाव जो कि गुजरात में स्थित है इसे वर्ष 2014 में विश्व विरासत के सांस्कृतिक स्थल सूची में रखा गया और ये भारत का 26वां हेरिटेज साइट है। जबकि अगर 27वें नंबर की हम बात करें तो वर्ष 2016 में नालंदा महाविहार के पुरातत्विक क्षेत्र को सांस्कृतिक स्थल के अंदर घोषित किया गया, जबकि वर्ष 2017 में ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत घोषित किया गया, और 29वां जो है भारत का वो है वर्ष 2018 में विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एम्बेसल ऑफ मुंबई को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। जबकि 30वें नंबर की बात करें तो जयपुर सिटी को वर्ष 2019 में सांस्कृतिक स्थल के तौर पर विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया वर्ष 2019 में। तो ये थे 30, जैसा कि कहा आपसे कि वर्ष 2020 तक कुल 30 सांस्कृतिक स्थल हैं जो कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल हैं। और अगर हम सांस्कृतिक स्थल की बात करें तो प्राकृतिक स्थल की बात करें तो प्राकृतिक स्थल में 7 हैं यानी कि प्राकृतिक स्थल की संख्या 7 हैं जो कि यूनेस्को के
विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं, जिसमें पहला है मानस वन जीव अभयारण्य और दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों असम में हैं और इन्हें 1985 में धरोहर स्थल में 1985 में शामिल किया गया। साथ ही साथ जो तीसरा है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इन्हें भी 1985 में शामिल किया गया। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है, ये सभी यूनेस्को के विरासत स्थल में शामिल हैं। और चौथा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि सन 1987 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, और ये आते हैं प्राकृतिक स्थल के रूप में। जबकि पाँचवा की अगर हम बात करें तो पाँचवा में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि 1988 में शामिल किया गया था, और फूलों की घाटी, जिसे 2005 में शामिल किया गया। दोनों एक ही हैं और ये उत्तराखंड में स्थित हैं, और ये प्राकृतिक स्थल में यानी कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में ये प्राकृतिक स्थल आते हैं। और छठवें नंबर की अगर हम बात करें तो वर्ष 2012 में पश्चिमी घाट को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया, और साथ ही साथ ये प्राकृतिक स्थल है। और जो सातवां और अंतिम है वो है बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और इसे वर्ष 2014 में विश्व विरासत में शामिल किया गया, और जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही साथ एक मिश्रित स्थल भी है, जिसे कि वर्ष 2016 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, और ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही किस्म का स्थल है, और इसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जिसे कि वर्ष 2016 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो ये था, और जैसा कि अब आप जान गए होंगे कि भारत में अब तक कुल 38 यानी कि सॉरी 37 हाँ 38 प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थल हैं जो कि यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं, जिनमें से अक्सर इनका वर्ष पूछ लेते हैं कि किसे कब शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।